हेलो गाइस, आई होप यू आर गुड। आज हम बात करेंगे टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन लेना है और आपका बजट 15,000 के अंदर का है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। हमारा जो 5th नंबर का स्मार्टफोन है वो है रेडमी नोट 10। इसका जो 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट है वो आपको 12,499 में मिल जाएगा। इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल के साथ, और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ। हमारा जो 4th नंबर का स्मार्टफोन है वो है रियलमी का नार्जो 20 प्रो। ये आपको 13,999 में मिल जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें जो चिपसेट लगा है वो है मीडिया टेक का हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर, 6GB की रैम एंड 64GB की स्टोरेज के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसके कैमरे की अगर बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल के साथ। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ। हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन है वो है पोको M2 प्रो। इसके की फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें जो प्रोसेसर आता है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, और ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है 4GB की रैम एंड 64GB की स्टोरेज के साथ। और इसके कैमरे की अगर बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल के साथ। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, और बैटरी की अगर बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ मिल जाएगी। हमारा जो 2nd नंबर का स्मार्टफोन है वो है मोटो G40 फ्यूजन। इसके की फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.8 इंच की IPS LCD देखने को मिलती है। इसके OS के बारे में बात करें तो ये फोन आपको एंड्रॉइड 10 पे मिल जाएगा, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसमें आपको 732G गेमिंग प्रोसेसर मिलता है जो कि 18M पे बेस्ड है, और ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही दमदार प्रोसेसर है। इसके कैमरे की अगर बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल के साथ। अब बात करते हैं बैटरी की। गेमिंग के लिए बैटरी बहुत ज़रूरी होती है, और जब आपके पास प्रोसेसर इतना अच्छा है तो गेमिंग भी हायर सेटिंग्स पर करी जानी चाहिए। और इस फोन में आपको 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, वो भी 20W के फास्ट चार्जिंग के साथ। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन की, और वो है पोको X3। ये बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, वो भी सिर्फ 14,499 में। जब ये फोन आया था तो इसकी प्राइस 17,000 से 18,000 थी। इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वो भी IPS LCD डिस्प्ले के साथ। एमोलेड नहीं है पर फास्ट रिफ्रेश रेट, जो कि आपकी गेमिंग को बहुत स्मूथ कर देगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 732 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। अगर आप कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल के साथ। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, वो भी 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ। इतना कुछ आपको सिर्फ 14,499 में मिल रहा है। अगर आपको बजट 15,000 के अंदर का है तो ये आपके लिए बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।